नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आध्यात्मिक उपाय ऑनलाइन मीटिंग पुणे का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये जो लाइफ सेविंग स्लोगन्स है, हमारी जिंदगी बचाने वाले स्लोगन्स, इन पर मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया है। और आज दोस्तों मेरी सोब्रिएटी के मेंटेनेंस के लिए एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही जरूरी जो स्लोगन है, लेट गो लेट गॉड, इस पर दोस्तों मुझे अपने अनुभव आज साझा करने हैं। दोस्तों पीने के दिन जब याद आते हैं तो आज महसूस करता हूं कि वो बिल्कुल एक बैटल ग्राउंड था, बैटल ग्राउंड, लड़ाई का मैदान, हर किसी से लड़ाई थी, अपने आप से, अपने से जुड़े हुए लोगों से, जिंदगी से, परिस्थितियों से। और शुरू शुरू में ये लड़ाई जीतने के लिए मैंने जिसको साथी चुना था, मेरी शराब, एक समय ऐसा आया दोस्तों कि इस शराब से भी मेरी लड़ाई शुरू हो गई। कभी मैं शराब पे हावी तो कभी शराब मेरे पे हावी, और बाकी लोगों से तो झगड़ा चल ही रहा था। और आखिरकार आज मैं महसूस करता हूं कि ये जो एक बैटल ग्राउंड मैंने अपनी जिंदगी को बना लिया था, हर एक से, हर चीज से, पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन, सबसे मैं लड़ना चाहता था, सबको अपने बस में करना चाहता था। और जब वो मेरे बस में नहीं होते थे, मेरे मन के मुताबिक नहीं चलते थे, तो जो गुस्सा आता था या फिर जो फ्रस्ट्रेशन मैं महसूस करता था, तो आखिरकार वो चीजें मुझे फिर शराब की तरफ ही लेके जाती थी। जितना ज्यादा गुस्सा, जितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन, उतनी ज्यादा शराब। तो मैं एक पीस ऑफ माइंड के लिए जो तरसता था, मन की शांति के लिए, सुकून के लिए, वो सुकून मैं शराब में ढूंढ रहा था। और शराब ऐसी कि मैं कितनी भी पी लूं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सुकून मिलता था, मन शांत होता था, लेकिन जैसे ही शराब उतरी कि फिर हाल जैसे के वैसे। आखिरकार दोस्तों ये जो चूहा बिल्ली का खेल जो चला, इसने ना तो मेरी जिंदगी में कभी सुख चैन लाया, ना मुझे कभी परमानेंट पीस ऑफ माइंड मिला, बल्कि सबसे लड़ाई करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए जिस चीज को मैंने अपना साथी चुना था, अपना सहयोगी चुना था, शराब को, वो मेरी ही जान लेने पे तुल गई। 2400 घंटे का शराबी बना दिया इसने। सवेरे शाम दोपहर कोई समय नहीं बचा था। कैसे मैं इसका गुलाम बन गया था मुझे भी नहीं पता चला। और फिर मैं किसी भी आनंद और मजे के लिए नहीं पी रहा था, बस शराब मेरी गरज बन चुकी थी, पीना है यानी पीना है। और ये मैं भी जानता था कि अब शराब से कोई मजा वजा नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ मैं अपनी जो परिस्थितियां मैंने खराब करके रख दी है, खुली आंखों से और होश में जब मैं उसको देखता हूँ, महसूस करता हूँ, तो मुझे डराती है, मेरी नींद चैन छीन लिया है उसने। और फिर उनसे भागने के लिए दोस्तों फिर मुझे शराब का ही सहारा लेना पड़ता था।
तो पूरी मेरी जिंदगी ही दोस्तों शराब मय बन चुकी थी, और उसका सीधा असर दोस्तों मेरे हेल्थ पे गिरा, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी इकोनॉमिकल हेल्थ, मेरी सोशल हेल्थ, मेरी इमोशनल हेल्थ, हर फ्रंट पे मैं तबाह हुआ। 2003 में मैं मरते मरते बचा, 11 महीने में बेड पे रहा, भगवान की कृपा की मैं उस वक्त बचा। लेकिन जैसे ही दुरुस्त हुआ फिर और शराब की तरफ, क्योंकि जो चीजें मैंने खराब करके रख दी थी वो होश में और खुली आंखों से देख ही नहीं सकता था। और फिर उन चीजों से निपटने के लिए मेरे जैसे कमजोर आदमी को फिर शराब का ही सहारा लेना पड़ा। दूसरी बार जो मेरी जिंदगी में शराब आई, ये बोलने में आज कोई दो राय नहीं कि वो मेरी अपनी भावनात्मक कमजोरियों की वजह से शराब मेरी जिंदगी में आई, इमोशनल सिकनेस की वजह से। काम धंधा पूरी तरीके से खराब, एक अच्छे व्यवसाय में गया था वो शुरू होने के पहले ही मैंने खत्म कर दिया था, क्योंकि मैं दारू की बोतल ही लेकर भाग गया था। शरीर की हालत खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, पहले ही पिताजी के शराबीपन से खराब थी, फिर अब मेरे शराबीपन की वजह से वो खराब हो चुकी थी। शराब जिंदगी में आने के पहले एक अच्छा नाम, एक अच्छा स्टेटस मैंने बनाया था, वो सब खराब हो गया था। एक जमाने में सबकी आंखों का तारा रहने वाला इंसान, आखिरी दिनों में मैं सोशल बॉयकॉट झेल रहा था, सिर्फ मैं और मेरी शराब ही बची थी। उन्हीं दौरान एक लव अफेयर में मैं फंस गया था, और फिर उस व्यक्ति की भी शादी हो गई, तो उसके फ्रस्ट्रेशन ने मेरी शराब को और बढ़ा दिया था। तो जब मैं 2003 में बीमार गिरा, मैं बेड पे रहा, तो यही मैं सोचता था कि चलो यार जो हो गया सो हो गया। अब तब नहीं मालूम था कि ये इसको लेट गो लेट गॉड बोलते हैं, ये नहीं मालूम था, ये ए में आने के बाद समझ में आया। लेकिन जब मैं बेड पे पड़ा था ना, तब मैं ये जरूर सोच रहा था कि चलो जो जिंदगी में हुआ सो हुआ, अब शराब नहीं पियेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों 11 महीने के बाद, दुरुस्त होने के बाद जब मैं अपने काम धंधे पे लौटा, उसी इंसान को मैंने फिर एक बार देख लिया, जो शादी होके मेरी जिंदगी से चले गया था। और फिर वो मेरी मेरी जो पुरानी इंसेनिटी है, हेलुसिनेशन, भ्रम की बीमारी, और फिर चालू हो गई। और ये जो मेरी भावनाओं का उफान फिर से उठने लगा, मैं उसको कहीं तो भी दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैं बिल्कुल बेचैन हो गया। अब क्या करूं, क्योंकि मुझे वो मैनेज ही नहीं करते आ रहा था। मैं तो सोच रहा था यार कि वो आगे वाला शादी करके निकल गया, चलो अपनी जिंदगी से दूर हो गया, लेकिन फिर वो नजर के सामने में आ रहा है, फिर वही भूत पुराना जाग गया, फिर वही हेलुसिनेशन, भ्रम में जी रहा हूं। आगे वाले की शादी के बाद में भी सोच रहा हूं कि वो अभी भी कभी भी अपने साथ में आ सकता है, और इधर परिस्थितियां पूरी खराब, यानी अगर आगे वाला आ भी गया तो मैं उसको निभा नहीं सकता, तो उसका फ्रस्ट्रेशन, और बाकी सारी जिंदगी का तो अस्त व्यस्त तो हो ही चुकी थी। तो ये जो इमोशनल जो टर्मोइल मेरे अंदर में पैदा हुआ, ये जो भावनात्मक तूफान मेरे अंदर में जो पैदा हुए, इनको दोस्तों मैं निभा नहीं पाया। जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थितियां मैंने जो बिगाड़ के रखी थी, बहुत ही बेकार परिस्थितियां करके रखी, मैं उनको स्वीकार नहीं कर पाया। मैं
उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाया और इसीलिए दोस्तों 11 महीने की मरण शैया से उठने के बाद भी जब फिर मैंने नजारा सब बर्बादी का सामने में देखा तो फिर मुझे वो मेरी भावनात्मक कमजोरी शराब की तरफ ही लेके गई और फिर मेरी शराब पहले से ही ज्यादा उफान पे आ गई। तो मेरी जो मुझे जो 11 महीने की कंडीशनल सोब्रिएटी जो मिली थी, दारू की जो दूरी मिली थी, उसको जो मैंने खोया, उसके पीछे का कारण अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में पता चला कि मैं भावनात्मक रूप से कमजोर ही नहीं, मैं भावनात्मक रूप से बीमार इंसान हूं। मेरी भावनाएं इतनी विकृत हो चुकी है कि मुझे उनको कंट्रोल करना नहीं आता, नियंत्रण करना रखना नहीं आता। जो भी जिंदगी में कम ज्यादा जो था, जो भी बर्बादियां मैंने करके रखी थी, मैंने बड़ा दिल करके उनको स्वीकार नहीं किया, उनसे एडजस्ट नहीं हो पाया मैं, और इसीलिए उनसे भागने के लिए, बचने के लिए फिर दोबारा मैंने शराब पी। खैर फिर भगवान की कृपा हुई और फिर एक बार मुझे मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। तब तक मेरी पूरी कमर टूट चुकी थी, अंदर से एक सरेंडर आ चुका था, साफ साफ दिख रहा था ऐसे ही पीते रहूंगा तो मरना तय है, और दूसरी बात भी दिख रही थी कि अगर नहीं पी तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए अब एक ही चुनाव बचा था कि मैं जिंदगी को चुनना चाहता हूँ या मौत को चुनना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं जीना चाहता था, मेरा जो अल्कोहलिक दोस्त शराब से दूर दिखा तो उसकी वजह से जिंदगी में एक होप आई, आशा आई, ताकत मिली, यार ये आदमी मेरे ही जैसा शराबी, हम साथ में पीने वाले थे दोनों, ये दारू से दूर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। और उसके साथ जब मैं ए की मीटिंग में आया तो जैसा कि ए में बोलते हैं, दोस्तों हाउ, आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी ईमानदारी है, थोड़ा भी आपका मन खुला है, ओपन माइंड, और थोड़ी सी भी अगर विलिंगनेस है, मन की तैयारी, तो ये प्रोग्राम काम करता है। और ये तीनों चीजें शायद मजबूरी में ही सही, कंडीशनल ही सही मेरे अंदर में आ चुकी थी। थोड़ी बहुत ईमानदारी भी थी, मेरा मन भी शराब ने मार मार के खुला कर दिया था, और थोड़ी मन की तैयारी भी हो गई थी मेरे दोस्त को देख के, और जिंदगी बचानी थी, मेन बात जीना चाहता था, तो उसका फायदा हुआ। इतनी पसंद आई मुझे पहले ही दिन ये मीटिंग कि पता नहीं, एक तो पहले ही प्रेम और अपनेपन का भूखा था जो मुझे मिलना बाहर में बंद हो गया था, सबने मेरा वायकॉट कर दिए थे, जो भी मेरे चाहने वाले दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और भी जो लोग थे, और घर तो शमशान बन चुका था, घर में तो मैं टिकना ही नहीं चाहता था, जिम्मेदारियों से भागना। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के लोग मेरे जैसे अनजान व्यक्ति को, जो कोई मेरे खून के सगे नहीं, जान पहचान के नहीं, और वो मुझे गले लगा रहे, मेरे पीठ पे हाथ रख रहे और बोल रहे आते रहो, हमारा भी अच्छा हुआ, आपका भी अच्छा होगा। शुरू शुरू में मैं किटी बॉक्स में भी पैसे नहीं डाला, किसी ने नहीं पूछा कि तुमने पैसे डाले या नहीं डाले, उल्टा गले में हाथ डाल के ले जा रहे, चाय पिला रहे, तो इन्हीं चीजों का तो मैं भूखा था। और ये जो प्रेम और अपनापन जो मुझे मीटिंग में मिला, इसने जादू कर दिया और मैं यहां रुक गया। क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मैं पहले दिन से ही महसूस किया दोस्तों कि जो जुनून, जो पागलपन मैंने शराब के मामले में लगाया था, वही जुनून, वही पागलपन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के मामले में मेरे अंदर में पैदा हो गया।
और शुरुआत में निरंतर मिटेंगे, समय पे मिटेंगे। अपने आप को मैंने पूरी तरीके से ए में झोंक दिया, जिसका नतीजा मिला दोस्तों मुझे, मुझे दारू की दूरी मिल रही थी, सोब्रेटी मिल रही थी। ए के इन्वॉल्वमेंट से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमको शराब की दूरी के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ए में जब हम इन्वॉल्व रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी ए की सर्विस करते हैं, तो दोस्तों बहुत ज्यादा जद्दोजहद शराब से दूर रहने के लिए नहीं करनी पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों वही हाल पहले से, पहले जैसे फिर एक बार आ रहे थे। जैसा मैंने बताया 2003 की बीमारी के बाद भी जब मैं ड्राई होके निकला तो मेरे सामने में मेरी बर्बादियों की सारी तस्वीर सामने आ गई थी। और उस वक्त दोस्तों कहीं तो भी मैं भावनात्मक रूप से कमजोर होने की वजह से मैं फिर दोबारा शराब की तरफ चले गया था। लेकिन उस वक्त मैं ए में नहीं था, यह सबसे बड़ी बात थी। और अब 2007 में जब मैं ए में आया तो मेरे साथ ए का प्रोग्राम था। एक हायर पावर को मानना, बिलीव करना मैंने शुरू कर दिया था, मेरे से पावरफुल ताकत। नास्तिक इंसान था, ईश्वर को और गॉड पे मेरा भरोसा नहीं था, मैं नहीं मानता था, मैं आर्गुमेंट करता था लोगों से। लेकिन जहां तक बात है मेरे से पावरफुल ताकत की, तो वो मैंने मानना शुरू कर दिया था। कम से कम अल्कोहलिक एनोनिमस की ये जो मीटिंग है ये जरूर मेरे से पावरफुल है, और इसीलिए तो जो काम मैं नहीं कर सकता वो बाकी के इतने सारे लोग कर रहे हैं। और फिर जब मैंने ए में आना चालू किया तो वही चमत्कार मेरे साथ में भी हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे से पावरफुल ताकत है और वो ताकत ए की मीटिंग में है। ये मैंने कब बिलीव करना शुरू किया पता भी नहीं चला। तो अब जब मैं ड्राई हो रहा था, शराब से दूर हो रहा था, परिस्थितियां वैसी की वैसी ही थी, परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया था, वही लोग थे, वही सिचुएशंस थी, वही प्लेसेस थे जो मैंने जब जिक्र किया कि जिस लड़की को मैंने चाहा था और उसकी शादी हो गई थी, और फिर जब वो दोबारा मुझे दिखी तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया। लेकिन अब भी वही हाल था, अब भी वही लड़की फिर नजर के सामने में थी। लेकिन ये क्या मिरेकल था कि अब मैं भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत पा रहा था, क्योंकि मैंने अपना सबक सीख लिया था। एक ही मीटिंग में आने की वजह से, रोज मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभव सुनने की वजह से, जिंदगी में लेट गो लेट गॉट कैसे करना, जो भी चीजें मेरे प्रतिकूल है, मेरे मन के अनुकूल नहीं है, जो भी परिस्थितियां, जो भी लोग मेरे मन के विपरीत हो रहा है, तो उसको लेट गो लेट गॉट करो, ईश्वर की इच्छा समझ के कबूल करके आगे बढ़ो, क्योंकि उसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। ये चीजें कैसे मेरी जिंदगी में ऑटोमेटिकली उतरते चली गई पता ही नहीं चला। और मैं वही इंसान था जो इन्हीं चीजों की वजह से 11 महीने मरण शैया पे रहने के बाद, दुरुस्त होने के बाद मैंने फिर शराब पी थी। लेकिन अब मैं वही इंसान था, लेकिन अब ए का मेंबर था, मेरे ऊपर एक ग्रेस ऑफ गॉड थी, मेरी समझ के ईश्वर का, ईश्वर की कृपा थी, क्योंकि मैंने अब अपनी जिंदगी से समझौता करना, उसको स्वीकार करना, जैसी भी परिस्थितियां है शुरू कर दिया था। रोज के रोज एक ही मीटिंग में अलग अलग स्लोगन सुनने को मिलते थे, उस पे ओल्ड टाइमर अपने अनुभव बांटते थे। तो जो स्लोगन्स हम आज ले रहे हैं रोज रोज, ये सारे स्लोगन्स मैं सुन रहा था
कि जैसी भी परिस्थिति है कबूल कर लो। तीसरा कदम मेरे गले नहीं उतर रहा था, अपना मन और जीवन ईश्वर के हवाले छोड़ देना। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते थे उस वक्त भी और अभी भी होते हैं। यार पहला कदम तो समझ लिया यार बॉस, बोले कि सर आपके मामले में पावरलेस है, जिंदगी अस्त व्यस्त बर्बाद हो चुकी है, ये तो बहुत आसान है बोले समझने में, और हमने मान भी लिए। दूसरा कदम भी हमने देख लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ हमसे कोई तो भी ज्यादा पावरफुल ताकत है, वही हमको ठीक कर सकती है। लेकिन ये तीसरा कदम समझ में नहीं आ रहा, अपना मन और जीवन ईश्वर के हवाले सौंप देना। और मेरे भी पल्ले नहीं पड़ता था, मैं कितनी बार पढ़ता था उसको, मैंने बिग बुक भी उठा के पढ़ी, लेकिन वो उसके एक्सप्लेनेशन समझ में ही नहीं आ रहे थे कि ये आखिर ऐसे कैसे हम मन और जीवन ईश्वर के हवाले सौंप देंगे। एक शेरर बहुत बढ़िया बोलते कि वो हमेशा बोलते थे कि मन और जीवन ईश्वर के हवाले मैं सौंप दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। तो ये चीज मेरे भी मन में थी और वो पल्ले ही नहीं पड़ती थी। तो आज मेरे जो स्पॉन्सर है वो भी हमेशा सब्जेक्ट शेयरिंग करते थे, तो कई बार वो फिर तीसरे कदम पे जब शेयरिंग करते थे तो प्रार्थना से सेरेनिटी प्रेयर से जोड़कर वो शेयरिंग करते थे। और जब उन्होंने वो शेयर किया तब दोस्तों मुझे तीसरे कदम का असली अर्थ समझ में आया कि ज्यादा शब्दों पे मत जाओ, ए का प्रोग्राम कीप इट सिंपल वाला है, सरल है, सीधा है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल और सरल तरीके से लो कि जैसी परिस्थिति है वैसी मुझे कबूल है। और जिंदगी की जो गाड़ी है दोस्तों बिल्कुल स्मूथ चलने लगे, जिंदगी आसान हो गई, सरल हो गई। जब मैंने प्रार्थना के साथ में उसको जोड़कर देखना शुरू किया कि जिन परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते भगवान उसको स्वीकारने के लिए हमको आत्म शांति दे, यही तो वो चीजें हैं कि जो मेरी सोब्रिएटी में सबसे बड़ा खतरा बनती है। क्योंकि दोस्तों हम ऐसे अल्कोहलिक है, इगोइस्ट, हमको सब कुछ अपने मन के हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, लोग मेरे हिसाब से चले, मैं जैसा बोलता हूँ उन्होंने करना चाहिए, परिस्थितियाँ मेरे हिसाब से मेरे अनुकूल होनी चाहिए, उसमें कहीं भी कुछ कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं जो चाहता हूँ हमेशा मेरे लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, जब तक होते रहता है तब तक मैं खुश रहता हूँ, किंग बेबी सिंड्रोम, बादशाही सोच, राजा तब तक खुश रहता है जब तक उसके मन के हिसाब से सब कुछ होते रहता है, और जैसा ही उसके मन के विपरीत हुआ तो बादशाह नाराज हो जाता है, राजा अंदर से चिढ़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तनाव में आ जाता है, डरने लग जाता है कि यार मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, चीज मिली अपने मन के हिसाब से हुई तो रंगा खुश, चीज अगर नहीं हुई अपने मन के हिसाब से नहीं मिली तो रंगा नाराज, और अगर ऐसा दिख रहा है कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होगा या नहीं होगा तो मैं डर, मैं जो चाहता हूँ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं पा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, सारी चीजें घूम फिर के मेरे एक्सपेक्टेशन, मेरी अपेक्षा है, महत्वाकांक्षा है। यहाँ मेरे दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही कि सब कुछ मेरे मन के मुताबिक नहीं होने वाला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेरेनिटी प्रेयर ने जिंदगी का असली अर्थ मेरे सामने में खोल के रख दिया कि कुछ चीजें तेरे बस में है और कुछ चीजें तेरे बस में नहीं है। तो जो चीजें, जो परिस्थितियां, जो व्यक्ति तेरे बस में नहीं है उनको स्वीकार करने के लिए भगवान से मन की शांति मांग ले। और जैसे ही दोस्तों जो भी परिस्थितियां मेरे विपरीत होती है, मेरे मन के मुताबिक नहीं होती,
जब वो मुझे डिस्टर्ब करने लगती है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिस्थितियां हो, प्लेसेस हो, तो अगर मैं फिर अपना पुराना रवैया अपनाता हूँ लड़ने का, बैटल ग्राउंड जो जिंदगी को अपनी बैटल ग्राउंड बना लिया था, लड़ाई का मैदान, सबसे लड़ना है क्योंकि मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, तो फिर मेरा पीस ऑफ माइंड जाने वाला है। और पीस ऑफ माइंड गया, मैं तनाव में आ गया, टेंशन में आ गया, तो दारू का अड्डा ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया हूँ, सिर्फ शराब बंद करने के लिए नहीं आया हुआ है, सिर्फ शराब बंद करने से मुझे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। जब तक शराब बंद करने के बाद में इस जिंदगी में मजा नहीं आएगा, जॉय ऑफ लाइफ नहीं आएगा, मुझे सही मायने में एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अंदर से आत्मसंतुष्टि, एक पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा, मन की शांति, एक सेरेनिटी अगर मैं जिंदगी में नहीं पाऊंगा, तो फिर शराबी जीवन में और आज के सोबर जीवन में क्या फर्क रहने वाला है। दारू नहीं पी रहा हूं, बाकी हाल जैसे का वैसा ही है, परेशान हूं, तनावग्रस्त हूं, डरा हुआ हूं, चेहरे पे 12 बजे हैं। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने मेरे जैसे बेवड़े की जो तस्वीर उभारी थी, रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट, रेस्टलेस अस्वस्थ इंसान, इरिटेबल चिड़चिड़ा और डिसकंटेंट यानी नाखुश, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, और इनसे निकलने के लिए ही मैं दारू का सहारा लेता था कि दारू पीता हूं तो बढ़िया लगता है, लेकिन वो परमानेंट मजा नहीं था, नशा उतरी कि हाल जैसे के वैसे। और इन्हीं चीजों ने आखिर मेरी जिंदगी छीनने का काम किया था। तो मैं ए में जिंदगी बचाने के लिए आया, दारू बंद इसलिए मुझे करनी थी कि मैं जिंदगी बचाना चाहता हूँ, लेकिन ये जिंदगी में बचाना क्यों चाहता हूँ, इसका क्या मकसद है, सिर्फ उससे शराब दूर हो जाए और बाकी की चीजें जैसी की वैसी रहेंगी, तो 100% मैं फिर शराब पीने वाला हूँ। और इसीलिए दोस्तों, मेरी सोब्रायटी को अगर मेंटेन करना है, वन डे एट ए टाइम, एक दिन के हिसाब से इस 24 आवर्स में मुझे अगर मेरी सोब्रायटी को मेंटेन रखना है, तो अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक रखनी पड़ेगी, आध्यात्मिक स्थिति। अगर मेरी आध्यात्मिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, अगर मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं, क्योंकि मेरी बीमारी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल मेलेडी बोली गई है, शराब शरीर से निकली है, मेरी मन से और आत्मा से नहीं निकली, बहुत बड़ा डैमेज करके रखा है। सिर्फ शराब शरीर से दूर होना यानी बीमारी से आजादी होना नहीं है, अल्कोहलिज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपाश नहीं है, अभी सिर्फ शराब दूर हुई है लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई है, मैं भावनात्मक रूप से बीमार हूं, मेरी पर्सनैलिटी बीमार है, मेरे चरित्र को लगी हुई बीमारी है ये, और इसीलिए जब मैं इस स्पिरिचुअल मेलेडी से ठीक होता हूं, मेरी रिकवरी स्पिरिचुअल तरीके से होती है, धीरे धीरे मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना शुरू होता हूं। और इसीलिए दोस्तों, 12 कदमों का ये आध्यात्मिक तत्वों का प्रोग्राम मेरे सामने में रखा गया, जिस पर चल के मैं अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन फिट रख सकता हूँ। मेरी दारू की दूरी इसी चीज पर डिपेंड करेंगी कि आज के दिन मैं स्पिरिचुअली कितना फिट हूँ, आध्यात्मिक रूप से कितना स्वस्थ हूँ। और स्पिरिचुअल फिट होने का मतलब या आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आज मेरे अंदर में कोई निगेटिविटी नहीं है, मैं आज तनाव में नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मैं डर में नहीं हूं, मैं एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जी रहा हूं, उसी को बोला जाएगा कि आज मैं एक अच्छी आध्यात्मिक कंडीशन में हूं, मेरे मन में किसी के प्रति खुन्नस के भाव नहीं है,
बेईमानी के भाव नहीं है, स्वार्थ के भाव नहीं है। आज किसी का मैंने गलत नहीं किया, उसका बोझ मेरे मन पर नहीं है। तो इन चीजों के लिए कहीं तो भी इन चीजों में जो रुकावट बनने वाली चीजें हैं डे टू डे लाइफ में, उसको यह स्लोगन कहता है दोस्तों कि लेट गो लेट गॉड करना पड़ेगा। आज की अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बरकरार रखने के लिए अगर लोगों ने या परिस्थितियों ने मेरे मन के मुताबिक काम नहीं किया और मैं उनके खिलाफ अगर अपने मन में गुस्सा पाल रहा हूं, रिजेंटमेंट खुन्नस पाल रहा हूं, तो इसका मुझे क्या फायदा होने वाला है? मैं अंदर से परेशान रहूं, आगे वाला तो अपने घर के बिस्तर पे अच्छे से नींद सोया रहेगा और मैं अपने बिस्तर पे करवट बदलूंगा, मेरा दिन खराब गुजरेगा। मेरे अंदर में किसी के भी प्रति, चाहे वो पीपल्स हो, प्लेसेस हो या सिचुएशन हो, उनके प्रति अगर गुस्सा, नाराजगी और खुन्नस भरी हुई है तो मैं खुश नहीं रह सकता दोस्तों। मैं हमेशा कहीं तो भी उनका कैसे गलत हो, कैसे मैं उनका गलत कर सकूं, यही सोच में मैं रहूंगा। और मेरे जैसा शराबी दूसरों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपना ही नुकसान करता है। शराबी दिनों में वो हम देख चुके हैं। लेकिन आज मुझे अपनी सोबरिटी की फिक्र करनी है, तो मुझे इस बात को सोचना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार के खुन्नस, रिजेंटमेंट, गुस्से और नाराजगी से आज मैं भरा हूं तो मैं अपनी सोबरिटी को ही खतरे में डालने का काम कर रहा हूं। और इसीलिए बिग बुक चैप्टर 5 बोलता है कि लेट गो लेट गॉड, जाने दो। अगर आपका किसी ने गलत किया भी है तो ऐसे लोगों को भी आध्यात्मिक रूप से बीमार समझ के उनको माफ कर दो। भगवान से उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे अपनी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी रखनी है। और सही में दोस्तों, जब मैंने ये किया उसके बाद मैं कहीं तो भी पीस ऑफ माइंड से भरा। रिजेंटमेंट की लिस्ट में, गुस्से की लिस्ट में मेरे पिताजी नंबर 1 थे। 250-300 लोगों के नाम मैंने अपनी चौथे कदम की इन्वेंटरी में लिखे थे जिनके प्रति मुझे मेरे मन में गुस्सा था, खुन्नस थी। तो पिताजी के प्रति बड़ी खुन्नस थी। इसी खुन्नस की वजह से मैं कई बार गाली गलौज करता था, एक बार उन पर हाथ भी उठा दिया था। मैं ए में आ गया था लेकिन पिताजी की शराब शुरू थी, तो मैं बहुत इरिटेट होता था, बहुत गुस्सा आता था उनका। लेकिन जब इस प्रोग्राम को मैंने प्रैक्टिस किया, तीसरे कदम पे जैसी परिस्थिति है वैसी कबूल करो। हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, उनको स्वीकार करते हुए जीना पड़ेगा। 2-3 महीने ही हो गए थे, मेरी एक एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी और उसकी खबर देकर जब मैं घर पहुंचा तो घर के लोगों ने बताया कि बोले वो तो एंगेजमेंट टूट गई। मैं गुस्से से मेरे ऐसे हाथ पांव कांपने लग गए थे, मैं खड़े खड़े हिलने लग गया था। ज्यादा महीनों की सोबरिटी नहीं थी, भावनात्मक रूप से कमजोर था, कभी भी शराब पी सकता था। लेकिन मैंने बताया दोस्तों कि निरंतर मीटिंग में रहने की वजह से एक थोड़ी बहुत इमोशनल सोबरिटी आ गई थी, थोड़ी बहुत, और एक ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा कि दारू के विचार नहीं आए। शाम को जब मीटिंग में गया तो एक ओल्ड टाइमर ने बोला, अपनी सोबरिटी पे ध्यान दो, सोबरिटी कम फर्स्ट, जाने दो बोले, लेट गो लेट गॉड, छोड़ दो बोले। आगे और बहुत सारी जिंदगी में चीजें पड़ी है बोले तुम्हारे, पहले सोबरिटी, बाद में सारी चीजें। तो वो पहला सबक मुझे मिला कि तीसरे कदम के तहत कैसे जिंदगी की जो प्रतिकूल परिस्थितियां है, जो भी समस्याएं है, सब अपने समझ के ईश्वर को छोड़ दो। तो जो पिताजी के प्रति रिजेंटमेंट की जो बात मैंने बोली,
पिताजी के साथ साथ 250-300 लोगों के साथ में मेरी रिजेंटमेंट थी। तो जब मैंने पेपर पे उनको उतारा और खुद ही मैंने जब मैंने पढ़ा कि मैं कहा गलत था, तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि 250-300 लोगों में से 90% लोगों के प्रति मेरे मन में जो गुस्सा और खुन्नस थी यूं ही निकल गई। क्योंकि उस इन्वेंटरी में मैंने देखा कि सबसे बड़ा दोषी तो मैं ही हूं, लोगों का दोष नहीं था। कहीं तो भी लोगों ने भी मेरे साथ में जो दुर्व्यवहार किया या गलत किया तो उसके पीछे में भी मैं ही कारणीभूत था। और ये जो मुझे अनुभव है, और मैंने दोस्तों सबको लेट गो लेट गो लेट गॉट कर दिया। किसी ने अगर सही मायने में मेरे मुझे कुछ नुकसान पहुंचाया भी था, मेरी बदनामियां की थी या मुझे और कुछ एंशेंट बोल दिया था, तो जब मैंने उनको माफ कर दिया, जो भी उन्होंने मेरे से गलत बर्ताव किया था सबको लेट गॉट कर दिया, चलो जाने दो, जो हो गया तो हो गया, भगवान देखेगा उनको, तुरंत दोस्तों एक बरसों का जो बोझ मेरे दिलो दिमाग से था उतर गया और मन शांत हो गया। जिसका फायदा मुझे मेरी सोब्राइटी में हुआ। यही तो चीजें थी जो मन पे जो बोझ पड़े थे, तनाव था, मुझे पता भी नहीं था कि ये इसी की वजह से तो मैं बेचैन हो जाता और दारू पीता था। डर, कई प्रकार के डरों से मैं भरा था, कई प्रकार के डर थे। फ्यूचर की चिंता थी, लोगों का डर था, कुछ लोगों के पैसे उधार मेरे पे थे, एक साहूकार था उससे कुछ परसेंट से मैंने पैसा लिया था, उसकी वजह से मैं हमेशा डरा हुआ रहता था, आगे कैसा होगा, काम धंधा सब खराब हो चुका था, वो काम धंधा अपना ठीक होगा या नहीं होगा, शादी नहीं हुई थी, शादी हो पाएगी या नहीं पाएगी, क्योंकि वो चीजें हो रही थी, मैं लड़कियां देख रहा था लेकिन रिजेक्ट होते जा रहा था, लोगों के ताने मिल रहे थे कि अरे तेरी शादी कब होगी, तेरे बराबरी के लोगों की तो शादियां हो गई, बाल बच्चे वाले हो गए, सेटल हो गए अपने काम धंधे पे, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। शरीर की हालत खराब थी, 35-40 किलो का वजन, सोशल बायकॉट जो मैंने बताया, अकेला था। तो इन चीजों से मैं निकल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, लेकिन दोस्तों वहां भी ये जो एक ही जो स्लोगन थे छोटे छोटे, ये मेरी मदद करने आए। और उसी में ये जो तीसरा कदम और ये जो आज का स्लोगन है लेट गो लेट गॉड, जो भी होगा देखा जाएगा, छोड़ो आगे बढ़ो, सोब्राइटी की राह पे चलते रहो। मैंने अल्कोहलिज्म में भी अपमान झेले हैं और ए में आने के बाद सोब्राइटी में भी मुझे अपमान झेलने पड़े, सोब्राइटी में भी, क्योंकि मेरे काम धंधे का ठिकाना नहीं था और ए में आने के बाद सोबर होने के बाद में भी घर की जिम्मेदारियां माँ के ही कंधों पे थी। तो कई लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताने मारते थे, कटाक्ष करते थे, और दोस्तों हम जैसे शराबियों के लिए कई लोग कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं आपको भी मालूम होगा शायद, कुछ लोगों को है क्या आधा, चलते क्या, लेंगे क्या थोड़ी थोड़ी, ये मैंने कई सालों तक ये शब्द सुने। मैं मेरे प्रोफेशन में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे कि चार लोगों के सामने मुझे इस तरीके से बात करते थे कभी कभी, और शुरू शुरू में मैं बहुत हाइपर हो जाता था, अंदर से ऐसा चिढ़ जाता था मैं, साला अपन तो अभी दारू नहीं पी रहे बॉस, इतने साल हो गए अपने को और सारे फिर भी लोग अपने को ऐसी घूर के देख रहे, अजनबी जैसी दिख रहे, कभी किसी को घाट पे पहुंचाने के लिए अगर गए मैयत में तो शुरू शुरू की बात है कि लोग मेरे तरफ देखते थे, अब उनको लगता था साला ये अभी भी जिंदा है, जिनको जाना था जिनको नहीं जाना था वो जा रहे हैं और जिसको पहले जाना था वो अभी भी जिंदा दिख रहा है। वो जो नजरें थी वो आज भी मैं याद करता हूँ दोस्तों, वो नजरें बहुत कुछ कहती है आज।
जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग चिढ़ाने का काम, चलो लेते थोड़ी थोड़ी, है क्या आधा। तो शुरू शुरू में मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था इन चीजों से, लेकिन फिर मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ही प्रोग्राम की बदौलत, जब रोज कोई न कोई शेयरिंग करता है अपने अनुभव से, कुछ न कुछ हमको सिखा के ही जाता है, खास तौर पे ओल्ड टाइम वालों की शेयरिंग, कि भाई ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं, सभी आपकी सोब्रिटी से शराब की दूरी से खुश होने वाले लोग नहीं रहते। कुछ लोग हो सकता है जिलस फील करते हैं, नाराज होते हैं, आपकी तरक्की नहीं देखना चाहते, आपका अच्छा नहीं देखना चाहते, ये उनका अपना आध्यात्मिक रोग है, आध्यात्मिक बीमारी है, वो भी आध्यात्मिक रूप से बीमार है। किसी की मजाक करने की आदत होती है, वो इतना सेंसिटिव नहीं होते कि भाई अपने मजाक से किसी के दिल पे कुछ बीतती होंगी, हमारे हाथों से भी ये गलती होती है, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था। तो शुरू शुरू में बड़ी चीड़ आती थी, लेकिन इसी प्रोग्राम की बदौलत, कदमों को गौर से सुनने की वजह से, और मजबूरी में ही सही, मजबूरी में, पहले मजबूरी में कि भाई अब लोगों को तो बदल सकते नहीं, जिंदगी में जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, उसको भी बदल तो सकते नहीं, तो मरता क्या न करता, झक मार के मानना तो पड़ेगा ही। तो पहले पहले दोस्तों कई बार ओल्ड टाइमर भी बोलते हैं कि ये कदम हम मजबूरी में लेना पड़ता है हमको, लेकिन धीरे धीरे ये मजबूरी दूर होते जाती है। तो वैसे ही मैंने जिंदगी में कुछ कदम बिल्कुल मजबूरी में लिए, खास तौर पे तीसरा कदम। अरे भाई, जब मैं लोगों को बदल ही नहीं सकता, अपनी परिस्थितियां मैं बदलने के लायक ही नहीं था, पावरलेस, ये जो पावरलेसनेस है, ये जो शक्तिहीनता, जो कमजोरी है, ये सिर्फ शराब के ही मामले में नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे समझ में आया, शुरुआत में सिर्फ इतनी खबर चली, इतना ही अनुभव आया कि भाई मैं शराब के मामले में पावरलेस हूं। और जैसे ही मैंने अपनी कमजोरी स्वीकार की और शराब के मामले में सारा अपना मन और जीवन एक ही हाथों सौंप दिया अपनी समझ की उच्च शक्ति के, मैं वहां से मुक्त हो गया। आई एम फ्री फ्रॉम अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल से दूर होने के बाद जैसे जैसे मेरी नशा फटी, अब मुझे बाकी चीजों के अनुभव आने लगे कि मैं सिर्फ अल्कोहल के मामले में ही पावरलेस और कमजोर नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी के और भी कई मामलों में पावरलेस हूं। लोगों पे मेरा वश नहीं चलता, परिस्थितियां मेरे हाथों में नहीं है, स्थान जो प्लेसेस है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और रोज के रोज अनुभव आ रहे थे, सब कुछ मेरे मन के मुताबिक होने वाला नहीं है। तो अब अगर मेरे मन के मुताबिक नहीं हुआ तो मैं उसको कैसे रिएक्ट करूं? मेरे पास में दो ही रास्ते हैं, एक तो मैं फिर बैटल ग्राउंड बनाऊं जिंदगी को, फिर लड़ाई लड़ू सबसे, लोगों से, पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन, सबके साथ में लड़ाई अपने मन मुताबिक करने की, माँ बाप मेरे हिसाब से चले, बाद में शादी हो गई तो बीवी और बच्चे मेरे हिसाब से चले, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया, एक लोग मेरे हिसाब से चले, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, क्योंकि मैं गाँव का शाहना हूँ, मुझे सब माता है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करना पड़ेगा, लोग जो करते बिल्कुल गलत करते हैं, काम धंधे पे, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह मैं ही एक शाहाना इंसान, सब मेरे हिसाब से हो, और हुआ तो ठीक है, लोगों ने मेरी सुनी तो ठीक है, तब मुझे अच्छा लगता है, मेरा ईगो सेटिस्फाइड होता है, मन खुश रहता है, सब अपनी सुनते बात, अपन जो चाहते वो सब होता है बराबर। लेकिन जैसे ही लोगों ने मेरा सुनना बंद कर दिया या मुझे अवॉइड करना शुरू किया, या जो मैं चाहता हूँ जैसा जैसा चाहता हूँ नहीं हुआ, तो फिर मैं अंदर से डिस्टर्ब होना शुरू, बेचैन होना शुरू, डर भरना शुरू, और ये चीजें मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है कि
मेरा पीस ऑफ माइंड जा रहा है, मेरी जिंदगी से सेरेनिटी जा रही है, और ज्यादा दिन तक ये अवस्था रही तो मैं अपनी सोब्रिएटी भी गवा सकता हूँ। तो जब ये चीजें मैंने अनुभव की दोस्तों, तो मेरे पास जैसा मैंने बताया दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी जिंदगी को बैटल ग्राउंड बनाऊं, सबसे लड़ाई लड़ूं अपने मन के मुताबिक सबको चलवाने की, या जैसी जिंदगी है जैसी परिस्थिति है ईश्वर की इच्छा समझ के उसको कबूल कर लो, लेट गो लेट गॉड कर लो। और अनुभव से ही मैंने सीखा कि मेरे जैसे शराबी के लिए अपनी सोब्रिएटी को कायम रखने के लिए, एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जीने के लिए सबसे अच्छी चीज यह है कि मैं लेट गो लेट गॉड का रास्ता अपनाऊं। हर किसी से लड़ते बैठूंगा तो किसी का दूसरे का कुछ नहीं होने वाला, मेरा ही नुकसान होने वाला है। और अगर मैंने लेट गो लेट गॉड इसकी आदत डाल दी डे टू डे लाइफ में, तो मेरा जो पीस ऑफ माइंड है, जो मेरा मानसिक संतुलन है, वो टिका रहेगा, वो जाने वाला नहीं। आज ही की घटना है दोस्तों, पता चला कि मेरा जो एक बचपन का दोस्त था उसके ही भतीजे ने उसकी हत्या कर दी, सर पे ही हथौड़ा मार दिया। और 15 दिन पहले वो मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया था, वैसे तो महीनों महीने और सालों मिलते नहीं, 15 दिन पहले शाम के वक्त अचानक घर पे आया और मैं शायद किसी मीटिंग में बिजी था, तो बाहर के बाहर ही मैंने उसको बोला, यार मैं अभी थोड़ा दूसरे काम में हूँ तो मैं तुमको बाद में मिलता हूँ बोला। लेकिन दोस्तों इन 15 दिनों में उससे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, और आज खबर आई वो जो मेरा दोस्त है उसको भी शराब का और गांजे का शौक था, शराब का कम था, गांजा ज्यादा पीता था वो। तो भतीजे के साथ में कुछ वाद विवाद हुआ, काफी दिनों से प्रॉपर्टी का झगड़ा चल ही रहा था उनका, तो भतीजे ने सर पे उसके हथौड़ा मार दिया और वो उसकी डेथ हो गई, आज मुझे पता चला। तो जब मैंने सुना तो मन बहुत बेचैन हो गया, क्योंकि वो एक सामान्य इंसान जरूर था दोस्तों, लेकिन मेरी जो नॉन AA लाइफ है, AA के बाहर की, उसमें जो मैंने एक रिस्पेक्ट कमाया, जो नाम कमाया, उसमें इस मेरे दोस्त का बहुत रोल था। ये तो खिलौने और फुग्गे बेचता था, लेकिन 1990 या 92 के दौरान इसी शख्स ने दोस्तों मुझे साहित्यिक प्रोग्रामों में एंट्री करवाया था, शहर के एक ऐसे मंच पे कि जिसका मेरा दूर से लेन देन नहीं था, और वहां जाने के बाद फिर मेरा वो जो साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी, मैं गजल वजल लिखने लगा, तो काफी जल्दी मैंने अपना अच्छा नाम किया था, आकाशवाणी पे मेरे प्रोग्राम होते थे, तो उसके प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड है मेरे मन में। और जब आज पता चला कि 15 दिन पहले मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैं समय नहीं दे पाया, मैं मिल नहीं पाया, बातें अधूरी रह गई, और आज दोस्तों उसकी डेथ भी हो गई, मैं उसकी डेथ के यानी मयत में भी शामिल नहीं हो पाया, उसकी शव यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाया, तो बड़ा खल रहा था, मन बेचैन हो गया था। लेकिन दोस्तों मैं एक प्रोग्राम पे हूँ, एक का प्रोग्राम मेरे साथ में है, और इसीलिए बहुत जल्दी मैं उससे उभर गया। इन भावनात्मक चीजों में उलझना ये मेरी बीमारी का हिस्सा है, लेकिन इन भावनात्मक चढ़ाव उतार से निकल जाना तुरंत ये एक रिकवरी का हिस्सा है। और थैंक्स गॉड कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने, मेरे ईश्वर ने मुझे सिर्फ फिजिकल सोब्रिएटी ही नहीं दी है, सिर्फ शराब की दूरी ही नहीं दी है, मुझे एक इमोशनल सोब्रिएटी भी दी है, भावनात्मक संयम, जो इस प्रोग्राम का असली बेस है। क्योंकि आज अगर मेरी सोब्रिएटी को मेंटेन करना है तो मुझे
इमोशनली फिट रहना है। इमोशनल सोबरिटी मेरे पास में होनी बहुत जरूरी है। मेरी भावनाओं पे संयम नहीं रहा, मेरी भावनाएं संयमित नहीं रही, तो हमेशा मैं दारू ही पी लूंगा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी से सुखचैन चले जाएगा, पीस ऑफ माइंड चले जाएगा, सेरेनिटी चली जाएगी। और इसको अगर कायम रखना है तो दोस्तों ये जो लेट गो लेट गॉड का जो स्लोगन है जो बहुत मायने रखता है। आज के इस 24 घंटे की जिंदगी में सवेरे से लेकर रात तक मैं अगर 100 विचार करता हूं तो बड़ी मुश्किल से 2-4 मेरे मन के हिसाब से काम होते हैं, चाहे घर में हो, बाहर में हो, सड़क पे हो, काम धंधे पे हो, 100 में से 2-3 ही चीजें मेरे मन के अनुकूल होती है। और जो मन के अनुकूल होती है वो दर्द नहीं देती, वो अच्छा लगता है, लेकिन मेरी असली ट्रबल वही है कि मेरे मन के खिलाफ जब भी कुछ हुआ तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं इस स्लोगन को प्रैक्टिस करता हूँ, ये तीसरे कदम से जुड़ा हुआ स्लोगन है, तुरंत भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेंस, तुरंत मन के विपरीत कुछ भी चीजें हुई तो उनको लेट गो लेट गॉड कर देना, तुरंत मेरा पीस ऑफ माइंड वापस आ जाता है। इन 13 सालों के शराबी जीवन में, एक है सोबर जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव है दोस्तों, अनगिनत उतार चढ़ाव। कई बार मैंने शेयर कर चुका हूं, अब उसको बार बार शेयर करना समय का भी अभाव होता है। जैसा कि पिछले साल इसी लॉकडाउन में मेरा 2 साल का बच्चा 14 दिन बुखार में रहा, अभी मार्च महीने में मेरी पूरी फैमिली हम लोग कोविड पॉजिटिव रहे, एक हमारे बगल के ही एक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन हम लोग, मेरा पूरा परिवार रहा। ऐसे ही अनगिनत कई चीजें इन 13 सालों में हुई, आज भी होती है और रोज होते रहने वाली है। पिछला जो मई महीना था दोस्तों, उस मई महीने में तो इतनी परेशानी आई, पहले फ्रिज खराब हो गया अचानक बंद, किसी को दिखाया तो बोले उसका वो जो क्या बोलते वो चला गया। फिर उसके 10 दिन के बाद में टीवी बंद हो गई, टीवी की स्क्रीन चली गई। और 3 महीनों से जो लॉकडाउन था शहर में, काम धाम सारे ठप, आर्थिक स्थिति कहीं तो भी कमजोर पड़ गई। तो इस मई महीने में अनगिनत उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में आई। अभी फ्रिज टीवी बोलो तो ये ऐसी आजकल की उपयोगी चीजें हो गई है, हमारे मनोरंजन का भी साधन है और हमारे भौतिक सुख सुविधाओं से भी जुड़ी चीजें है। लेकिन दोस्तों बस सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की कृपा और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में जो मैं लगातार जुड़े रहता हूँ, लोगों के अनुभव सुनता हूँ, अपने अनुभव बांटता हूँ, तो ये जो मेरा जो अंदर का जो मेंटल स्टेटस है, स्पिरिचुअल जो कंडीशन है, वो खराब नहीं होती, वो मेंटेन रहती है। और उसको मेंटेन मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे चेहरे पे 12 बज गए, मैं अगर परेशान हो गया, मैं डर में तनाव में आ गया, तो मेरा परिवार भी उससे प्रभावित होने वाला है। और इसलिए एक प्रोग्राम पे और आध्यात्मिक प्रोग्राम पे मैं हूँ, मेरा परिवार थोड़े है, मैं अपने परिवार को थोड़े बोल सकता हूँ हर परिस्थिति में खुश रहो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहे तो तुमको हंसना ही पड़ेगा, रोना मत, चेहरे पे 12 मत बजाओ, ये मैं अपने परिवार को कैसे बोलूं? भाई ये चीजें तो मुझे करनी है ना, ए का मेंबर मैं हूँ, मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम पे हूँ, मेरी परीक्षा है। ये जो भी परीक्षाएं हमारी जिंदगी में आती है, डे टू डे लाइफ में जो उतार चढ़ाव समस्याएं आती है, ये मेरी अपनी परीक्षाएं है कि मैं 12 कदमों पे कितने चल रहा हूँ, कितना इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कितना आध्यात्मिक रूप से मैं आज के दिन फिट हूँ। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, पर मेरे पास आज शराब पीने का बहाना नहीं है। तो क्या
इस तरीके से मैं अंदर से फिट हूँ, ये आज सोचने का विषय। और अपनी इसी आध्यात्मिक स्थिति को फिट रखने के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड को, सेरेनिटी को कायम रखने के लिए ये जो स्लोगन है दोस्तों, लेट गो लेट गॉड, ये बहुत मार्के का है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सारे जो स्लोगन, सारे जो स्टेप्स है वो प्रैक्टिस के है दोस्तों। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हमको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसी जैसी इसकी आदत पड़ती है, तो वैसे ही दोस्तों हमारी जिंदगी में परिणाम भी आते हैं। तो दोस्तों जो भी इस विषय पे मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।